आज की इस वीडियो में होंगे साइकिलिंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे कमाल के गैजेट्स जिनका इस्तेमाल राइडिंग के दौरान या फिर एक्सपेडिशन के दौरान किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10, विंग लाइट्स। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल तो ड्राइविंग के दौरान किया जाता है, चाहे बात हो कार की या फिर बाइक्स की, उन दोनों में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स दे रखे होते हैं जिनका इस्तेमाल आप मुड़ते वक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साइकिल राइडर हैं तो ऐसा कोई भी सिस्टम उसमें नहीं होता। जब भी आपको टर्न करना होता है तो बस आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है टर्न सिग्नल देने के लिए, जो कि कहीं न कहीं बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इसके लिए खासतौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जो कि एक तरीके के टर्न इंडिकेटर के तौर पर काम करेगा राइडिंग के दौरान। दोस्तों, इसे आप साइकिल के हैंडल में लगा सकते हैं और सिंगल टैप करने के बाद ये खुद ब खुद ब्लिंक होने लगता है, यानी कि ये आपके लिए एक टर्निंग सिग्नल के तौर पर काम करेगा। और जरूरत ना होने पर आप इसके मैग्नेटिक माउंट से इसे हटाकर अलग कर सकते हैं और एक कीरिंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल का ये गैजेट रहता है, जो कि खास तौर पर साइकिल राइडर्स के लिए बनाया गया है। नंबर 9, कॉर्की एक्स। बाइक्स और कार में रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप आगे चलते वक्त पीछे की ट्रैफिक पर भी नजर रख सकते हैं। लेकिन साइकिलिंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता। टर्न करते वक्त आपको बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखना पड़ता है, जिससे कि आगे की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, जो कि सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं पीछे की ट्रैफिक पर नजर रखना अपनी राइडिंग के दौरान, तो इस तरीके के छोटे से मिरर को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रियर व्यू मिरर होता है, जिसे कि आपको अपने सनग्लासेस या फिर नॉर्मल ग्लासेस में लगाना पड़ता है, जिसके बाद आप लगातार आगे चलते वक्त भी पीछे की ट्रैफिक पर नजर रख सकते हैं। ये साइज में बेहद छोटा सा रहता है और आपके ग्लासेस के साथ काफी अच्छा भी लगता है। और जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो आप पीछे के ट्रैफिक पर पूरी तरीके से नजर रख सकते हैं, जो कि मुड़ने के दौरान या फिर हाईवे में राइडिंग करने के दौरान काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक प्रोफेशनल साइक्लिस्ट हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रियर व्यू मिरर को। नंबर 8, सारिस M2 व्हील ऑन स्मार्ट ट्रेनर। दोस्तों, आपने जिम में वर्कआउट करने वाली साइकिल को तो जरूर से देखा होगा, जो कि एक जगह पर फिक्स रहती है, जिसे कि आप अलग अलग मोड्स पर ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि पैरों की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन ये काम अगर आप घर पर करना चाहते हैं अपनी नॉर्मल बाइसिकल से, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों, इसे आपको अपने साइकिल के पिछले पहिए पर अटैच कर देना होता है, जिसके बाद जब भी आप अपनी नॉर्मल साइकिल को लगाकर इसमें राइडिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फील होता है। साथ ही आपकी राइडिंग एक्टिविटीज को भी ट्रैक करता है, जिसे कि आप इसके ऐप में देख पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग काफी सारे मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस लेवल को कस्टमाइज किया जा सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस छोटे से गैजेट में, जो कि खास तौर पर इंडोर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ये आपकी नॉर्मल बाइसिकल को ही एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाली बाइसिकल में चेंज कर देता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना ही चाहिए। नंबर 7, नाइनबोट S+। फॉरेन कंट्रीज में आजकल इस तरीके के स्कूटर्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आसपास जाने के लिए कहीं भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा टू व्हीलर स्कूटर होता है, जो कि साइज में बहुत छोटा सा और एकदम कॉम्पैक्ट सा होता है, जो कि बैटरी पावर्ड रहता है, जिसकी टॉप स्पीड 12 miles per hour की होती है और सिंगल चार्ज पर आप इसे 22 miles तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, जो कि आपको एक लंबी रेंज अवेलेबल कराएगा, और साथ ही मोबाइल फोन ऐप कंट्रोल में बहुत सारी स्टैटिक्स वगैरह आप इसकी देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये IP54 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग के साथ आता है, जिससे कि हल्की फुल्की बरसात में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ आपको एक फिजिकल कंट्रोलर मिल जाता है, जिससे कि आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, ये फॉलो मी फीचर्स के साथ आता है, जिससे कि आप जब आगे आगे चलते हैं तो ये आपको फॉलो भी कर सकता है आपके इशारों पर। तो इस तरीके का स्कूटर एक कमाल की एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना होता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में आपको अक्सर ही देखने को मिल सकता है। नंबर 6, लूप व्हील्स। किसी भी नॉर्मल साइकिल के अगर रिम की बात करी जाए तो उसमें आपको स्पोक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक फ्रेम से अटैच रहती हैं और उसके चारों तरफ टायर लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जिस तरीके का रिम दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डिफरेंट सा रहता है, क्योंकि इसकी डिजाइन ही कुछ ऐसी है। इसमें दोस्तों स्पोक्स की जगह आपको कुछ लूप्स लगे हुए दिखाई देंगे, जो कि एक तरीके के सस्पेंशन का काम करते हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ रोड पर जब भी आप इसे चलाएंगे तो आपको झटके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल किसी भी साइकिल की बात करी जाए तो बहुत मुश्किल होता है उबड़ खाबड़ रास्ताओं में उसे चलाना, लेकिन इसे आप आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिजाइन ही इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। इसमें आपको एक्सटर्नल सस्पेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लूप्स ही एक तरीके के सस्पेंशन का काम करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या इससे पहले आपने इस तरीके का साइकिल रिम कभी देखा था या नहीं। नंबर 5, रूबी X e-bike।
इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स आपने काफी सारी देखी होंगी जो कि अपने खास तौर के लुक और डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूं जो कि देखने में एकदम सिंपल नॉर्मल साइकिल जैसी लगती है, जिसका इस्तेमाल आप नॉर्मली कर भी पाएंगे। लेकिन इसके पिछले हिस्से में एक कटआउट सेक्शन लगा होता है जहां पर आप एक्सटर्नल बैटरी पैक लगा के एक मोटर को अटैच कर सकते हैं जो कि व्हील्स को रोटेट कराने का काम करती है, जिससे कि आपकी नॉर्मल बाइसिकल एक ई बाइक में चेंज हो जाती है। इसका इस्तेमाल करके आप आसपास की रेंज में कहीं पर भी जा सकते हैं और जरूरत न होने पर आप इस पूरे सिस्टम को फिर से डिटैच कर सकते हैं और आपकी एक ई बाइक फिर से नॉर्मल बाइसिकल में बदल जाएगी। तो काफी कमाल की ये चीज रहती है, जिसके साथ आपको मिल जाता है एक मोबाइल फोन ऐप सपोर्ट भी, जिससे कि आप पूरी स्टैटिक्स पर नजर रख सकते हैं, जैसे कि बैटरी परसेंटेज या फिर आपने अपनी साइकिल को कितना राइड किया है। ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें साथ में दिए गए ऐप की मदद से। तो काफी कमाल की ये बाइसिकल रहती है जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी है। नंबर 4, पोलर प्लग हीटेड ग्रिप। सर्दी के मौसम में जब भी आप साइकिल राइड करते हैं तो आपने एक चीज तो फील करी होगी कि सामने से आने वाली ठंडी ठंडी हवा आपके हाथों को भी ठंडा कर देती है। और ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग एक हाथ से साइकिल चलाना फिर पसंद करते हैं, क्योंकि उनका एक हाथ उनकी जैकेट में होता है। और ऐसा अगर आप भी करते हैं तो अब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के हैंडल बार को, जो कि आपके लिए एक छोटे से हीटर का भी काम करेंगे। दोस्तों, ये एक तरीके के ऐसे हैंडल बार होते हैं जो कि 4 घंटे तक आपके हाथों को गर्म रख सकते हैं, जिन्हें की बस आपको एक बार चार्ज करना होगा। और ये हल्की हल्की गर्माहट आपके हाथों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि राइडिंग करते वक्त आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप भी परेशान हो जाते हैं राइडिंग के दौरान, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के कमाल के गैजेट को। नंबर 3, मैग्नेटिक माइक्रोलाइट्स। बहुत सारे प्रोफेशनल राइडर्स अपनी साइकिल में ब्रेक लाइट्स लगवाते हैं, जिससे कि वो जब भी साइकिलिंग के दौरान ब्रेक्स को अप्लाई करें तो उनकी लाइट्स खुद ब खुद जल जाएं। तो ऐसे में उनको इन लाइट्स को लगातार चार्ज करते रहना पड़ता है, या फिर अगर वो बैटरी वाली हैं तो उनकी बैटरी को बार बार रिप्लेस करना पड़ता होगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी लाइट दिखाने वाला हूं जिनमें ये दोनों ही काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। ये एक तरीके की ऐसी ब्रेक लाइट होती है जिन्हें की ब्रेक पैड्स के साथ इंस्टॉल कर दिया जाता है किसी भी तरीके की साइकिल में। ये ब्रेक लाइट्स काफी कस्टमाइजेबल होती है, जिससे कि इसे किसी भी साइकिल में फिट किया जा सकता है। साथ ही लाइटिंग के एंगल को भी एडजस्ट किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। ये फिजिक्स के एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करती है जहां पर ये ब्रेक लाइट्स टायर को टच नहीं करती हैं, बस उनके रोटेशन से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे कि ये लाइट्स लगातार जलती रहेंगी। और जैसे ही आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो इन लाइट्स की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसमें इनबिल्ट बैटरी की वजह से होता है। यानी कि जब भी आप राइडिंग कर रहे होंगे तो इसकी बैटरी भी लगातार चार्ज होती रहेगी और इसमें लाइट्स भी जलती रहेंगी, और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये लाइट्स और भी तेज हो जाएंगी। तो काफी कमाल के सिग्नल के तौर पर काम करती हैं इस तरीके की लाइट्स, जो कि खास तौर पर प्रोफेशनल राइडर्स के लिए बनाई गई हैं। नंबर 2, स्प्लैश ट्विन ई स्कूटर। फॉरेन कंट्रीज में आपको ई स्कूटर्स तो काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस में आसपास जाने के लिए किया जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ई स्कूटर को। दोस्तों, ये एक ऐसा डुअल मोटर पावर्ड ई स्कूटर होता है, जिसे की खासतौर पर ऐसी रोड्स के लिए बनाया गया है जहां पर नॉर्मल राइडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी डुअल मोटर इसे काफी पावरफुल बनाती है, जिससे कि इसे उबड़ खाबड़ रास्ताओं में भी आसानी से चलाया जा सकता है। और यही नहीं दोस्तों, इसे 40% इंक्लाइन एंगल पर भी ले जा सकते हैं आसानी से, कि इसका एक कमाल का फीचर है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज लगभग 25 माइल्स तक की होती है। और यही नहीं दोस्तों, इसे आप अलग अलग स्पीड मोड्स पर भी चला सकते हैं, जैसे कि इको मोड्स और टर्बो मोड्स। इसकी टॉप स्पीड 28 माइल्स पर आर तक की होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहेगी इस तरीके के ई स्कूटर को देखते हुए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस तरीके का ई स्कूटर कैसा लगा। नंबर 1, ड्रैगन फ्लाई बाइक पैकिंग सिस्टम। साइकिल में सामान को साथ में लेकर कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जगह काफी कम होती है, और ऐसे में अगर आपके पास छोटा छोटा बहुत सारा सामान है तो उसे साथ में लेकर चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक्सपेडिशन पर जाने वाले लोगों के पास बहुत सारा सामान होता है, जिन्हें उन्हें या तो बैकपैक में रखना पड़ता है, जो कि बहुत तो ज्यादा थका देने वाला होता है, या फिर उन्हें साइकिल में पीछे की तरफ बांधना पड़ता है, जिसमें कि अच्छा खासा समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अटैचमेंट को, जो कि खास तौर पर साइकिल्स के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, ये एक तरीके के ऐसे अटैचमेंट होते हैं जिन्हें कि साइकिल के दोनों ओर सेट कर दिया जाता है, जिसमें कि आप बैग में आसानी से बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और इन अटैचमेंट्स की खास बात ये होती है कि ये वाटरप्रूफ भी रहते हैं, जिनमें कि आपका सामान एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। इन्हें डिटैच करना भी बहुत आसान होता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर आप आसानी से सामान को बाहर निकाल सकते हैं, और जरूरत ना होने पर फिर से आप अपने रास्ते में लेकर निकल सकते हैं इस पूरे सिस्टम को। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो
इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।